हेलो दोस्तों, आप सभी का एजी टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण यह है कि हम आपके लिए अब कंप्यूटराइज वीडियो ना बनाकर बोर्ड में जो लेक्चर दिए जाएंगे अब बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, तो उस वजह से हम उसमें थोड़े बिजी हैं, तो इस वजह से आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। और कोशिश करिए कि हम आप जल्दी आपके लिए वीडियोज लेक्चर बोर्ड में जो बनाए जा रहे हैं वो आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूके पीसीएस ने जो एग्जाम कराया था उसका भी उन्होंने आज 12 अप्रैल को वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम था उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा। और अब मेंस के लिए प्री एग्जाम हो चुका है, तो अब मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उसका क्या एग्जाम पैटर्न है, उसमें हम थोड़ी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, यूके पीसीएस ने अगस्त 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला था एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी के एपीएस के लिए। ठीक है, वो निकाला था जो सचिवालय के लिए। तो उसका एग्जाम आपका 11 नवंबर को हुआ था और 11 नवंबर को एग्जाम उसका प्री हुआ था, और आज 12 अप्रैल को 2018 को उन्होंने रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो कट ऑफ रही है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितने नंबर रही होगी। और कट ऑफ में जिन लोगों का उसमें सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना होइए। ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ आगे अच्छी चीज रखी हुई होगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि उसकी कट ऑफ क्या रही होगी, क्या अभी कितने नंबर उनकी कट ऑफ गई है जनरल के लिए और अदर कैटेगरीज के लिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा हरिद्वार द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपका रिजल्ट के कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी दी गई है। तो दोस्तों देखिए, कट ऑफ के बारे में देखते हैं। यहाँ पे जो सामान्य की कट ऑफ गई है वो आपकी 80.75 गई है, वहीं अनुसूचित जाति की 83.75 गई है, और अनुसूचित जनजाति की आपकी 81.25 गई है। वहीं आप अगर ओबीसी की देखें, जो अन्य पिछड़ा वर्ग 85.75 की गई है। वहीं देखो, जनरल और जो अदर कैटेगरीज हैं उनमें क्या है, कोई भी गैप नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। आपके 60 प्रश्न और 40 प्रश्न पढ़ के आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे। और महिला जो उत्तराखंड की महिला है जो सामान्य जनरल कैटेगरी से, उनको भी ज्यादा गैप नहीं है, केवल 0.75 मार्क्स का ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ठीक है दोस्तों, ये कट ऑफ गैरी की है, तो हम ज्यादा डीप नहीं देखते, हम सीधे जनरल की देखते हैं। 85.75 है और अनुसूचित जाति की आपकी 83.75 है। इसमें सिर्फ 2 नंबर का गैप दे रखा है यहाँ पे, और अनुसूचित जनजाति में भी सिर्फ 4 नंबर का, अगर जनरल से देखें और उससे देखें तो आपके अनुसूचित जाति से देखें तो सिर्फ 2 मार्क्स का इसमें भी गैप है। ठीक है, वहीं अदर बैकवर्ड क्लासेस के भी 80.7 है, जो जनरल से एक भी नंबर कम नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कंपटीशन कितना ज्यादा है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है, और वो अभी अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए उनको क्या क्या, जिनको सिलेबस नहीं पता है, हम थोड़ा सा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एग्जाम की, क्योंकि जिन लोगों ने ये अप्लाई नहीं किया था और उनको अभी पता नहीं होगा कि प्री में क्या क्या पूछा जाता है, तो उनके लिए हम प्री का भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्री के एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं 45 नंबर की 45 क्वेश्चन आए थे आपके हिंदी के, और इनके लिए जो आए थे 45 मार्क्स थे, मतलब एक मार्क्स का एक क्वेश्चन था। जनरल स्टडीज 75 क्वेश्चन थे और 75 मार्क्स थे आपके, और जनरल इंटेलिजेंस में 45 क्वेश्चन आपके थे और ये जो 45 मार्क्स अलाउ किए गए थे, मतलब एलोकेट किए गए थे। तो आप देख सकते हैं टोटल जो पेपर था वो 150 मार्क्स का था, और 2 घंटे आपको टाइम दिया गया था 150 मार्क्स के क्वेश्चन को, मतलब 150 क्वेश्चंस को आपको करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रीलिम्स था, जो आपका प्रीलिम्स में आपके 150 क्वेश्चन थे, 150 मार्क्स के थे और 2 घंटे आपका टाइम दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेंस में आगे मेंस का जो पेपर होगा उसमें क्या क्या सिलेबस है, तो देखते हैं। आइए ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका टोटल मिला के 8 पेपर होंगे, और 8 पेपर में आपका जनरल स्टडी, जनरल हिंदी, हिंदी स्टेनो टेस्ट, हिंदी टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर नॉलेज, आपका जनरल इंग्लिश, इंग्लिश स्टेनो और इंग्लिश स्टेनो। तो यहाँ पे नंबर भी एलोकेट किए गए हैं। देखिए, अगर जो पहला पेपर है जनरल स्टडी का, उसमें 100 मार्क्स है, 2 घंटे दिए जाएंगे आपको, और जनरल हिंदी के लिए आपको 100 मार्क्स का और 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। वहीं जो पेपर थर्ड है हिंदी स्टेनो टेस्ट का, उसमें 135 मार्क्स का है और उसमें 5 मिनट एंड 35 मिनट लिखा है, 35 सेकंड होंगे।
तो वो दिए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप चौथा पेपर देंगे हिंदी टाइपिंग टेस्ट का, उसमें क्या है 15 मार्क्स दिए गए हैं और 10 मिनट आपको दिए गए हैं करने के लिए, ठीक है। हिंदी टाइपिंग टेस्ट में नंबर भी अलग अलग हैं। अगर आप 8,000 से 8,000 9,000 के बीच में आते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, और आप 9,000 से ज़्यादा आते हैं, 9,000 से 10,000 के बीच में रहते हो तो 10 नंबर मिलेंगे, 10,000 से ऊपर रहते हैं 11 नंबर, ऐसे नंबर बटे हुए हैं। लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का, और आपको 10 मिनट टाइपिंग के लिए दिए जाएंगे। और जो आपका पेपर पांचवा होगा कंप्यूटर नॉलेज होगा, और वो 100 मार्क्स के हैं, और इसको कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको 1.5 घंटे दिए गए हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी हमने कंप्यूटर से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे अपलोड किए हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जिन लोगों को जरूरत है। तो अब पेपर अगर हम सिक्स की बात करें तो जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में हमको 50 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं और 1 घंटा दिया गया है। तो दोस्तों हमने वीडियोज इंग्लिश के लिए भी एरर फाइंड आउट वगैरह उसके लिए हमने क्या किया है, वीडियोज भी अपलोड किए हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इंग्लिश 10 ओ भी दी गई है, एक आपकी 135 मार्क्स की है और एक आपकी 15 मार्क्स की है, ठीक है दोस्तों। और ये 10 मिनट और 5 मिनट और 35 मिनट दिए गए हैं। सो आप देख सकते हैं आपके 8 पेपर होंगे और आपको टाइम एलोकेट भी किया गया है। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो दोस्तों, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को भी, इससे अपने दोस्तों को भी सूचित किए ये वीडियो शेयर करके, ताकि उनको पता चल सके कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अपना जो APS का जो उन्होंने एग्जाम कराया था नवम्बर में, उनका उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। और अपनी तैयारी पूरा पर रखिए, ओके ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर आवर चैनल टू योर फ्रेंड, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू सो मच।